जसवंतपुरा पंचायत समिति के साविधर ग्राम के रामदेव मंदिर में एक कुएं में बंदर दो दिनों तक जिंदा रहा। पहले तो उसके कुछ साथियों ने उस अपने मित्र को गिरा देख जमकर उत्पात मचाया और कुएं के आसपास किसी को भी जाने नहीं दिया, लेकिन क्षेत्रीय जनों ने हिम्मत जुटाकर कुएं में एक रस्सी से खाट को बांध कर कुएं में डाली और इसके सारे बंदर बाहर आया एवं पलक झपकते ही ओझल हो गया। बताया जाता है कि रामदेव जाको राखे साई या मार सके ना कोई की कहावत रविवार को उस समय चरितार्थ होती सिद्ध हुई। जसवंतपुरा पंचायत समिति के साविधर ग्राम के रामदेव मंदिर में एक कुएं में बंदर दो दिनों तक जिंदा रहा। पहले तो उसके कुछ साथियों ने अपने मित्र को गिरा देखकर जमकर उत्पात मचाया और कुएं के आसपास किसी को भी जाने नहीं दिया, लेकिन क्षेत्रीय जनों ने हिम्मत जुटाकर कुएं में एक रस्सी से खाट को बांधकर कुएं में डाली और इसके सारे बंदर बाहर आया एवं पलक झपकते ही ओझल हो गया। बताया जाता है कि रामदेव मंदिर में मौजूद इस कुएं में बीती दोपहर एक लाल मुंह वाला बंदर दौड़ते समय अचानक गिर गया। ऐसा होते ही अन्य बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कुएं के चारों ओर घेर कर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आसपास से निकल रहे लोगों पर हमला भी किया। घटना की जानकारी जब स्थानीय जनों को लगी तो वे बंदर को बचाने की सोचने लगे, परंतु अन्य वानरों के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वन विभाग और रेस्क्यू टीम रहा सुस्त। इस संबंध में क्षेत्रीय जनों ने बताया कि बंदर के कुएं में गिरने की जानकारी उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को। इसके बाद क्षेत्रीय ने एक मोटा रस्सा से खाट बांधकर कुएं के अंदर डाला और रविवार की शाम बंदर इसी रस्से को पकड़कर बाहर आ गया। इसके बाद जहां उसने राहत की सांस ली, वहीं क्षेत्रीय जनों में भी खुशी देखी गई। मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में करण कुमार भीनमाल, हेमंत कुमार का ग्राम वासियों शेर सिंह देवल, सरपंच शंकराराम मेघवाल, उप गेवा राम पारीख, शेरा राजपूत, पारसा राम ने आभार जताया। बंदर को बचाने वाली सभी भाइयों को नमस्कार। पालघर व NP24 न्यूज टीवी का सम्मानित पत्र देखकर सम्मानित करने का आदेश दिया। चैनल व अखबार के संपादक व राष्ट्रीय पत्रकार भगवत माली ने कहा कि जसवंतपुरा तहसील संवाददाता महादेव राम पारी को कॉल कर सभी भाइयों का नाम हेड ऑफिस में भेजने का आदेश दिया। तीन तीन मिला रहे।